तारक मेहता शो के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे चना कुमार और कुरमुरे कुमार की लड़ाई के बीच गोकुलधाम वासी बुरी तरह से पिस रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो कुरमुरे कुमार है वो तो गोकुलधाम वासियों को मीठी धमकी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर वो इलेक्शन को हारते हैं तो वो गोकुलधाम वासियों को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे और जो भी होगा फ्यूचर में गोकुलधाम वासियों के साथ उसके जिम्मेदार खुद गोकुलधाम वासी ही होंगे। लेकिन यहाँ पर चना कुमार जो है वो भी सॉलिड गेम खेलने वाला है। चना कुमार जो है जो कि जेठालाल का दोस्त है वो जब आकर देखता है कि कुरमुरे कुमार का बैनर टप्पू सेना के टेंट में लगा हुआ है तो वो भी मन ही मन सोच लेता है कि उसको कैसे भी करके सियासी फ़ायदा तो लेना ही है। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि अगर आप कुरमुरे कुमार का बैनर नहीं हटवा सकते तो आप एक काम करिए, आप एक दूसरा स्टॉल खोलिए जहाँ पर आप लोगों को नींबू पानी बांटिए और वहाँ पर मेरा यानी कि चना कुमार का बैनर लगवाइए और इसका सारा खर्चा जेठालाल करेगा। तो दोस्तों क्या जेठालाल फंस चुका है, क्या जेठालाल खुद के पैसों से चना कुमार के लिए प्रचार करवाएगा? इंतज़ार करिए तारक मेहता शो के नेक्स्ट एपिसोड का।